हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 6, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स ऑफ फैक्टर। तो बेटा बहुत इजी चैप्टर है, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम थोड़ी सी कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2×4 है, तो इसका 2×4 का आंसर क्या होता है बेटा? 8। 2×4 = 8। अगर आपने इस मल्टीप्लाई को एडिशन में चेंज करना हो तो इसका पता है क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि आप 2 को 4 बार एडिशन कीजिए। जैसे देखो 2 + 2 + 2 + 2, तो देखिए 2 and 2 = 4 and 6, एंड ये कितना बन गया? 8। आंसर सेम है ना? तो इसका क्या मतलब होता है? अगर तो हम इसका मतलब है कि 2 है जो वो 4 टाइम्स आ रहा है, यानी कि देखो 2 4 टाइम आ रहा है ना हमारे पास, ठीक है? तो ये मतलब होता है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन। जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो एक हिसाब का रिपीट होने वाला एडिशन होता है, ठीक है? यानी आपको ये पता होना चाहिए, अगर 2×4 है तो इसका मतलब है कि जो 2 को हम 4 टाइम्स लिख सकते हैं एडिशन डाल के, या इसको 4 को आप 2 टाइम लिख सकते हो एडिशन डाल के, एक ही बात है। इधर से हम देखेंगे तो 2 को आप लिख सकते हो, ठीक है, 2 को लिख सकते हो 4 टाइम। अगर आप 4 को लिखना चाहते हो तो देखो आप ऐसे लिख सकते हो 4 + 4, क्योंकि 4 कितनी टाइम्स आएगा? 2 टाइम्स। तो 4 + 4 ये भी कितना आ जाएगा? 8, ठीक है। 2 को लिखना तो वो 4 टाइम्स लिखना पड़ेगा, 4 को लिखना तो वो 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? रिपीटेड एडिशन होता है, ठीक। अब हम बेटा करते हैं, देखिए मिक्स्ड नंबर। मैं आपको एक पुराना चैप्टर रिवाइज करवा रही हूँ कि मिक्स्ड नंबर क्या होता है। जैसे ये वाला नंबर होता है ना बेटा, इसको मिक्स्ड नंबर बोलते हैं। इस मिक्स्ड नंबर को हम एक सिंपल फ्रैक्शन कैसे बनाते थे, याद है आपको? क्या करते थे हम? इसको इसके साथ क्या करते थे? मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर्स को। इसको न्यूमिनेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। डिनोमिनेटर को इस वाले नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करते थे, जो आंसर आ जाता था उसको न्यूमिनेटर के साथ क्या कर देते थे? ऐड कर देते थे, ठीक है। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, जो आंसर आ जाए उसको ऊपर वाले न्यूमिनेटर के साथ ऐड कर देते थे। तो हमने 12 को 1 के साथ क्या कर दिया? ऐड करके 13 आ गया। और जो अब डिनोमिनेटर है वो एज इट इज रखना है 4, तो यानी कि आंसर क्या आ गया? 13/4। यानी कि इस चीज को हम ये लिख सकते हैं, तो 3 and 1/4 का आंसर हम 13/4 है। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इसको सोल्व करना इसके कंपैरेटिवली बहुत ही इजी है, ठीक है। इसको हम अगर सोल्व करेंगे अपने सम्स में तो ज्यादा इजी होता है इससे सोल्व करना, ओके। तो इसलिए हमने इसको ऐसे हमें सोल्व करना पड़ता है बेटा। अब नेक्स्ट देखिए, देखिए मल्टीप्लाई दिस बाय 5। बाय 5 का मतलब इसको 5 बार मल्टीप्लाई करें, तो ये आ गया। अब ये मैंने अभी आपको नंबर सिखाया है ना, इसको कैसे सॉल्व करते हैं बेटा? इसको कैसे सॉल्व करते हैं? पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 4 × 3 = 12। जो आंसर आ गया उसको ऊपर वाले से ऐड कर दो, कितना आ गया? 1। 12 + 1 कितना आ गया? 13। और डिनोमिनेटर तो वही रखना है 4, तो देखिए 12 + 1/4 यानी कितना आ गया? 13/4। यानी जहां पर ये वाली हमारे पास पड़ी होगा, ये डिजिट्स या ये वाली स्टेटमेंट पड़ी होगी, वहां पर हम 13/4 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो मतलब 13/4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, बात तो एक ही है ना बेटा। इसको 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या? वही रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन वाला, अभी 2 वाला किया था ना हमने, मतलब इसको हम कितनी बार लिख सकते हैं? 5 टाइम्स लिख सकते हैं। जैसे हमने 2 + 2 + 2 नहीं लिखा था अभी पहले पेज पे, तो इस तरह से हम इसको कितनी टाइम्स लिख दिया हमने? 5 टाइम्स लिख दिया। अब हम ये लाइक फ्रैक्शन में आ गए कि जब अगर हमारे डिनोमिनेटर एक जैसे हो तो उसको हमने एक बार लिख लेना है, और जितने न्यूमिनेटर्स हैं उनको इकट्ठे ऐड कर लेना है। डिनोमिनेटर को एक बार ही लिखते हैं, पर न्यूमिनेटर को अलग अलग बार लिखना पड़ता है। तो ये सभी को हमने ऐड किया तो कितना आ गया हमारे पास? 65/4। अब 65/5 भी इसका आंसर है, बट हमारा क्वेश्चन एक मिक्स्ड नंबर में था बेटा, तो इसका जो आंसर है वो भी एक मिक्स्ड नंबर में ही हम निकालेंगे। तो इसके लिए हम मिक्स्ड नंबर को कैसे बेटा सॉल्व करते हैं, देखिए। अगर कोई हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन हो और उसको मिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट करना हो तो उसका तरीका क्या है, देखिए। आप जो भी 65/4 आया ना, तो 4 को 65 से डिवाइड कर दीजिए। 4 × 1 = 4, 6 में से 4 माइनस किए 2, ऊपर से हमने क्या ले लिया? 5 ले लिया, ठीक है। नीचे आ गया ये 25 बन गया,
फोर सिक्स 24, 25 में से 24 माइनस किए तो क्या आ गया 1। अब 1 तो 4 के टेबल पे नहीं आएगा, तो ये हमारे पास क्या बन गया, रिमाइंडर। ये क्वोशेंट आ गया, ये रिमाइंडर आ गया, ये डिवाइजर है। तो अगर हमने इस 65/4 को इसमें कन्वर्ट करना है तो क्या होता है बेटा, क्वोशेंट रिमाइंडर बाय डिवाइजर। क्वोशेंट क्या है हमारा 16, रिमाइंडर की जगह हम क्या लिख देंगे 1, हमारा 1 आया ना, और डिवाइजर की जगह हम क्या लिख देंगे 4। ये देखिए हमने 4 लिख दिया, डिवाइजर 4 है, ठीक है। अगर हमने फ्रैक्शन को मिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करके पता लगता है बेटा। अगर मिक्स्ड नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो वो हमारे पास ये वाला मेथड है, ठीक है, वो ये वाला मेथड है हमारे पास, मिक्स्ड नंबर को अगर हमने फ्रैक्शन में बदलना है। ओके, तो ये होता है। थैंक यू।